सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस YouTube चैनल। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है कि आप अपनी पैशन एक्सप्रो पे कैसे हैजार्ड लाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो ऑन ऑफ वाला स्विच लगा के बिल्कुल इजी इंस्टॉलेशन है, कोई वायर कट नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। बस एक 150 रुपीज का या कहीं पे 150 का मिलता है, कहीं पे 100 का, कहीं पे 80 का, कुछ इसका प्राइस ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि आप सिंपल मार्केट से जाके लोगे तो 70 रुपीज का स्विच आ जाएगा, और अगर आप अमेजोन से लोगे तो 150 या 160, और डिलीवरी चार्जेस मिला के कुछ 200 का भी मिलता है कभी कभी, तो वो डिफरेंस आ जाता है। तो बस आपको वही एक स्विच लेना है, तो आप खुद इंस्टॉल कर सकते हो उसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे वो स्विच कैसा है। तो गाइस ये है अपना स्विच जो कि मैंने पहले इंस्टॉल करा था अपनी पैशन एक्सप्रो पे, किल स्विच के तौर पे इंस्टॉल करा था, ये वही वाला है। सो गाइस इस पे आपको थोड़ा सा ऐसे ही एक्सटेंड करना पड़ेगा वायर जैसे आपने पहले एक्सटेंड करा था, और आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ है, ये ऑन है, अभी ऐसे नीचे ऑफ हो जाएगा, ये ऑन ऑफ ऑन। तो गाइस आपको ये वाला इंस्टॉल करना है। सो ये आपको हैंडल बार पे लगा के, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रूज लगे हुए हैं हैंडल बार पे, अच्छे से टाइट हो जाएगा। और फिर ये दो स्क्रू आपके जो इंडिकेटर्स के क्लैंप होंगे उसमें आपको लगाने हैं, जो वायर लगा के, और फिर अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स स्टार्ट इंस्टॉलिंग गाइस। तो ये अपनी पैशन एक्सप्रो, तो इसके फेयरिंग को खोलने के लिए हमें बस चार स्क्रू खोलने हैं, दो इस साइड है, सो एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, और ऐसा ही ऐसे वाला एक ही साइड है दूसरी साइड। तो आपको दो चार स्क्रू खोलने हैं, चार स्क्रू खोलने के बाद ये फेयरिंग खुल जाएगी। सो आपको हैंडल बार पे पहले वो माउंट कर लीजिए जो आपका अब स्विच है। तो मैं आपको एक बार एक खोल के फिर माउंट करके दिखाता हूँ, फिर वायरिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमने माउंट कर लिया है अपना स्विच ऑन ऑफ स्विच, और ये इसका वायर यहाँ पे नीचे ऐसे लटका हुआ है। सो गाइस आपको ये वायर भी इसके साथ साथ ऐसे, अगर आप इसको टेप से बांध लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे लटकता है, टूट भी सकता है। और ये चारों स्क्रू मैंने खोल लिया, आप देख सकते हैं इसके खोल लिए मैंने, बस हमें फेयरिंग निकालनी है, और फेयरिंग निकाल के इसकी वायरिंग करनी है। जो ये दो वायर हैं, ये एक इस वाले इंडिकेटर में जाएगी, एक इस वाले इंडिकेटर में जाएगी, फिर हमें ये काम करके दिखाएगा, ये हमारा काम करेगा हैजार्ड लाइट। सो मैं आपको करके दिखा। तो दोस्तों ये फेयरिंग मैंने खोल लिया, अब हमें इसमें वायरिंग करनी है। सो जो ये दो वायर हैं, ये एक रेड और एक येलो, सो ये किसी इंडिकेटर में लगानी है, किसी इंडिकेटर में लगानी है। तो आप पहले ही देख लीजिए दो जो वायर इसमें से आ रहे हैं, और ये देख लीजिए एक ग्रीन है एक ब्लू है, और इस इंडिकेटर के भी आप चेक कर लीजिए, एक ग्रीन है और एक रेड है। तो जो दोनों सेम कलर के वो इसका नेगेटिव होगा, सो हमें दोनों अलग अलग उसमें लगाने हैं। तो आपको इसका जो प्रोंग है ये खोल के, तो एक वायर तो इसमें डाल के लगा देना है, और एक दूसरे वाला ये ब्लू वाले में लगा देना है खोल के। तो मैं आपको खोल के और फिर लगा के दिखाता हूँ। सो गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऑरेंज में ये रेड वायर कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे इस ब्लू में मैंने येलो वायर कनेक्ट कर लिया है। सो गाइस बस आपको करना क्या है, बस इग्निशन ऑन करना है, सो जो कि पहले से ऑन है, और आपको फिर एक इंडिकेटर कोई सा भी ऑन करना है, लेफ्ट या राइट। सो वो ऑन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन हो गया उस साइड वाला, सो इस साइड वाला ही जल रहा, तो आपको बस ये ऑन करना है, और फिर दोनों साइड के जलने लग जाएंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, सो आप देख सकते हैं दोनों साइड के जलने लग जाएंगे। सो वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसमें कुछ मॉडल्स में ये प्रॉब्लम है कि जो ये पुराना फ्लैशर होता है इससे चारों इंडिकेटर नहीं जलते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। सो मैं आपको बता देता हूँ इसका फ्लैशर, यहाँ पे सीट खोलोगे, ये फ्यूज़ बॉक्स है इसके नीचे यहाँ पे लोकेटेड है, तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। फ्लैशर भी ऐसे ही 70-80 रुपीज़ का आता है। सो जिसको वो प्रॉब्लम आए तो उसमें वैसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन है। सो मैं आपको ये नाइट का एक व्यू दे दूँगा इसमें, नाइट का भी। देखा कि ये इंस्टॉलेशन कितनी इजी था, बस हमें आगे का फेयरिंग खोल ली थी, चार स्क्रू थे उसमें, चार स्क्रू खोलने के बाद हमें हमें जो कि अपने इंडिकेटर्स के वायर थे उन जो क्लैंप लगे हुए थे उनमें हमें वायर लगाना था, बस वायर लगाने के बाद आसानी से इंस्टॉल हो गया। सो आप देख सकते हैं गाइस कितनी आसान मॉडिफिकेशन थी
ठीक है गाइस, तो आप अगर ऐसी मोटिवेशन देखना चाहते हैं तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करें वीडियो कैसी थी, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी दबा लेना क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू गाइस।